ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में नेता बयानबाजी को लेकर चर्चा में हैं। सीएम शिवराज को लेकर कांग्रेस नेता के विवादित बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि मुरैना से कांग्रेस नेता दिनेश कुर्जन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि शिवराज तो भूखे नंगे घर से पैदा हुए हैं, हमारे कमलनाथ देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति हैं। गुर्जर मुरैना में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस बयान पर अब शिवराज सिंह ने जमकर पलटवार करते हुए कहा कि हाँ, मैं भूखे नंगे घर में पैदा हुआ हूँ। फिर आज एक और नया बयान आ गया कांग्रेस का, चले कमलनाथ तो उद्योगपति हैं हिंदुस्तान के नंबर दो के, और शिवराज सिंह तो नंगे भूखे हैं। मैंने कहा भी कि हम नंगे भूखे हैं, हम नंगे भूखे ही भले, अरे हम नंगे भूखे हैं इसलिए अपने गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं, दिनों रात उनका दर्द जानते हैं, उनकी तकलीफ जानते हैं, उनका कष्ट जानते हैं, उनका दर्द जानते हैं, उनकी तकलीफ जानते हैं, उनका कष्ट जानते हैं। तुमने कभी गरीबों को देखा है? तुमने कभी भूख देखी है? तुमने कभी गांव देखे हैं? तुमने कभी गांव की गलियां देखी है? तुमने खेत देखे हैं? खेत की पगडंडियां देखी है? कीचड़ देखी है? धूल देखी है? बीमारी देखी है? तुम क्या गरीब का दर्द जानो? हमें नंगे भूखे ही रहने दो। अरे हम नंगे भूखे इसलिए शहरी अभियानों के खाते में 1,000 रुपया महीना डलवाते हैं। हम नंगे भूखे हैं इसलिए चाहे किसी जाति और समाज के बच्चे हो, उनकी फीस मामा भरवाता है, चाची पढ़ के वो आगे बढ़ जाए। हम नंगे भूखे हैं इसलिए मेरी गरीब बहनों, संबल योजना मामा ने बनाई और तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया बहना के खाते में डालेंगे। ए उद्योगपति, तूने तो मेरे बच्चों की फीस छीन ली, तूने मेरी बहनों के पैसा छीन लिए, तूने मेरे मुंह के बहनों के मुंह के लड़ुए छीन लिए रे। हम तो नंगे भूखे हैं। कांग्रेस नेता का बयान तब चर्चा में आया जब बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा, यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही इनकी पीड़ा और यही इनकी सोच। एक किसान पुत्र कैसे किसी नामी उद्योगपति के सामने खड़ा हो सकता है? वो किसान पुत्र जो सिर्फ जनता के आगे झुकता हो, जिसका जीवन ही जनसेवा को समर्पित हो, गुलाम मानसिकता के कांग्रेसियों का असली चेहरा सामने आ गया। इस ट्वीट के बाद सियासत तेज हो गई। वहीं कांग्रेस इस बयान को लेकर कह रही है कि दिनेश गुर्जर का आधा बयान बीजेपी ने शेयर किया है। किसान कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर का जो बयान भाजपा प्रचारित कर रही है, वायरल कर रही है, वो अधूरा वीडियो है। उस पूरे वीडियो को सुना जाए तो उसके अंदर कहने का आशय कुछ और है। दिनेश गुर्जर कहना चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी जो औद्योगिक घराने से आते हैं, उद्योगपति है, लेकिन देखें आपके प्रदेश में जब वो आए तो उन्होंने किसानों का दर्द कैसा समझा। किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, उन्हें कर्ज के दलदल से मुक्त करने के लिए उन्होंने किसानों की कर्ज माफी करी। गरीबों को लेकर उन्होंने जितनी शिवराज सरकार में योजनाएं चलती थी उसमें भ्रष्टाचार था, सबसे पहले उसे बंद करा। कन्या विवाह की राशि को बढ़ाया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाया, युवाओं के रोजगार को लेकर काम किया, महिलाओं के सम्मान को लेकर काम किया। तो वो एक औद्योगिक घराने से आने के बाद भी उनकी सोच कैसी है? गरीब की जैसी गरीब हितैषी सोच है, किसान हितैषी सोच है, आम वर्ग की हितैषी सोच है। उपचुनाव के संग्राम में कमलनाथ और शिवराज एक दूसरे को घेर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता के बयान में शिवराज को भूखा नंगा कहे जाने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस पर जमकर पलटवार कर रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।